हेलो हाय नमस्कार मु उपेन्द्र आपण मानको पुनी थरे समस्त छात्र छात्री मानको वेलकम करूची आजकार गोटे नूतन ब्लॉग्स को तो जेमती जानिथिबे मु बहुत दिन पूर्वरु गोटे वीडियो आपण मानको पई अपलोड करितली एवं से वीडियो रे आपण मानको समस्त को कहितली जे मोर जो बीएड रो इंटर्नशिप चालितिला केमती चालितिला छात्र छात्री मानकर प्रतिक्रिया केमती थिला एवं जदि आमे वर्तमान समय रे देखिबा ताले ता वर्तमान आज होची तार लास्ट डेट तो आज आमर सब टीचिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी सरी जाइछि एवं छात्र छात्री मानको संगरे जहां मीट अप होबार थिला हे गला ता संगरे आमर जो फैकल्टी माने आसीतिले ऑब्जर्वेशन पाइका तांको संगरे भी आमे बहुत सारा फोटोज क्लिक कलु एवं वर्तमान मु आसीछि 8 बी क्लास को जेउटी आपण माने छात्र छात्री मानको समस्त को देखि पारुथिबे थोड़ा से चिल्ला के ये बोल दो आज जेंती आपण मानको कहली आज होची लास्ट दिन बहुत खुशी भी लागुची आ मन रे बहुत सारा दुख भी रही जाय छी कारण होउची आमे 3 मास धरु जो छात्र छात्री माने इंटर्नशिप रे बहुत सारा प्रैक्टिस कलु सब्जेक्ट पढ़ेलु क्लास वाइज सेक्शन वाइज तो छात्र छात्री मानकर मन रे कोनसी जगह रे गोटे प्रकार भल पाइबा गोटे प्रकार हमर जो इंटरेक्शन कोंती से फ्रेंडशिप रो हो से टीचर स्टूडेंट रो हो तो कौनसी ना कौनसी जगह रे गोटे भल पाइबा क्रिएट हो जाइतिला तो छात्र छात्री माने बहुत अपसेट मध्ये अछंती तो आमे तांको संगे वर्तमान अल्प बहुत कथा हवा से माने केमती अछंती से माने केमती फील करछंती तो पहले आप बताइए आपका नाम क्या है स्नेहा हां मुझे तो पता था लेकिन आपको पूछ लिया आप मुझे ये बताओ स्नेहा हमारा जो पढ़ाई चल रहा था अप्रोक्स 3 मंथ्स हो जाएगा आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला हमारे पढ़ाई से सर बहुत कुछ मिला बहुत कुछ मिला क्या क्या तभी भी मैं तो एक एसएस का टीचर हूँ मैं और आपको कुछ भी नहीं पढ़ाता तो आपको एक्सपीरियंस कैसा है आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर पहले एसएसटी में थोड़े वीक थे अब फिर भी कुछ हो गए हैं एसएसटी में थोड़ा वीक थे तो अभी आपको लग रहा है कुछ चीज़ें आप सीख गए हो ऑलरेडी ओके तो आपको अच्छा लगा यस सर और ये भी सबको बता दो कि आज हमारा लास्ट डे है आपको पता है ना आपको बड़ी खुशी महसूस हो रही है या दुख सर दोनों चीज अच्छा खुशी किस बात की कि सर आप अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे अच्छा खुशी मेरा जॉब लग जाएगी यस सर वाह और दुख किस बात की है सर आप जा रहे हैं ओके 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 ठीक है सर ने बहुत अच्छा 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 मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है मुझे ये बताओ जोर से बोलो सबको सुनाई देना चाहिए मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स सबसे अच्छा आपको मेरे में क्या लगता है आप अच्छे से समझाते हो चैप्टर को अच्छे से पढ़ाते हो ओके ओके मैं पहले भी थी अब मैं थोड़ा स्कूल जा रही हूं अच्छा अच्छा ठीक है और आपके मेरा नाम तो बनना है तो मैं 8th में पढ़ रही हूं और आपकी पॉजिटिव बताऊं तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और जो हमें मतलब जो स्पेलिंग आती है इंग्लिश की वो लिख के देते हो बोर्ड पे पहला तो मैं कैंडिडेट हुआ मेरा घर ओडिशा और मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है मयूरभंज जहाँ से द्रौपदी मुर्मू आज मैं राष्ट्रपति हुई और मैं सौभाग्य तो मानता हूँ कि इतना अच्छा स्कूल मुझे मिला और मैं जब मतलब पहले मैंने सीख रहा था मुझे हिंदी सीखने में प्रॉब्लम हो रही थी फिर इंग्लिश में बहुत सारे कठिनाई मेरे सामने आए फिर मुझे उड़िया भी सीखना पड़ेगा एज ए मदर लैंग्वेज तो तीनों को कैसे मैं एडजस्ट करूँ वो एक तो प्रॉब्लम ही थी मेरे लाइफ में तो जैसे कि सब बच्चे नहीं कर रहे अच्छा लगेगा उपेंद्र बेहरा की जो लैंग्वेज जो इनका पढ़ाने का ढंग और जो इन बच्चों में जाकर के देते हैं मैंने देखा है मैं खूब जुड़ा हूँ इसलिए उपेंद्र बेहरा के लिए सुझाव कोई नहीं है मेरे पास देखिए इनकी कक्षा के साथ मेरी कक्षा होती थी मैंने मोहम्मद सहबाज को कभी भी खाली नहीं देखा बच्चों से इतना डीप जुड़ गए ये अब भी मैं जबरदस्ती बुला करके लाया
हमारे दार्शनिक भाषा में फिलोसफी में उसको राग कहते हैं। राग का एक्चुअल अर्थ है एक सुख एक बार भोग लिया, उसको बार बार भोगने की इच्छा, बार बार भोगने की इच्छा, ये इसको थोड़ा थोड़ा हमें इससे थोड़ा थोड़ा हटना है। हम बच्चों से उतना ही जुड़े, ऐसा नहीं है कि आपके जुड़ने के नुकसान हुए, लेकिन आप अभी बच्चे हैं, हमने ये भोगा। सुभाषिस यहाँ थे ब्रिलियंट टीचर आए थे, मतलब कि मैंने इसमें बच्चे ने ये पाया दिनेश जी कि इसने कभी क्लास तो छोड़ी नहीं, और मेरे से एडवांस जब भी मैं इसी क्लास में घुसा इनकी कक्षा में गया, सर प्लीज एक मिनट, मैंने कहा मैं तो ऐसा आदमी हूँ हमारे देसी भाषा में कहते हैं मैं कक्षा नहीं छोड़ता, सर एक मिनट। तो ये बच्चे से मैंने सीखा और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये मेरे से ज्यादा अच्छा है, कुछ बनेगा। तालियां बेटी नहीं है। और आप क्या कह रहे थे, आपने तो भीतर से टीचर भरा पड़ा है बेटा, आप अंदर से स्वयं टीचर है, आप अध्यापक है, और मुझे फख्र है कि आपके साथ मेरा संपर्क बना। याद रखेंगे आपको, हम जवान होना चाहते हैं फिर से। आप लोगों के साथ जो एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं ना, मैंने तो छुट्टी ले रखी आप दिया अर्ध अवकाश पे हूं मैं काम कर रहा, इसलिए बेटे के लिए निवेदन है, देखो भाई इस संसार में मैं समाप्त कर देता हूं, इसलिए बेटे से मैं ये कहूंगा, बेटा आप इस प्रदेश में आए हैं, आपने हमारी बहुत बड़ाई की है, इतनी बड़ाई ना किया करो हमारी, ऐसा आपने बड़ाई की है ना कि ये स्कूल इतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। मैं दोबारा से इंटरव्यू देके आया हूँ इसी स्कूल में, 2012 में था, कहीं ट्रांसफर हो गया था फिर दिया मैंने, ये सच है, ये सच है। मैं मानता हूँ कि इर्द गिर्द के जितने भी विद्यालय है पब्लिक स्कूल से तो थोड़ा कम है, मगर सरकारी स्कूल से हमारा अप है, हमारा विद्यालय बहुत गुंजाइश है यदि हम काम करते हैं। और ये मेरे बोलने से नहीं, हमारी टीम इतनी युवा है अभी, यदि मैं बोलता हूँ किसी शब्द को तो अच्छा नहीं लगता, आप देखिए लेक्चर देखिए एनर्जी साथ देखिए सबके अनुभव, तो आप ये दिमाग में ना रखें ये बहुत अच्छा स्कूल है, आप और अच्छा कर सकते हैं, इसलिए अच्छा कीजिए, धन्यवाद आपका। और अब मैं चाहूँगा बेटी प्रिंसेस, प्रिंसेस तो हमारी इंडिया है, प्रिंसेस हमारी लोकल है यहाँ की, और प्रिंसेस से मैंने ये सीखा कि प्रिंसेस खूब अच्छे से रहती है अपने जीवन में, कि आपने हमारे इस प्यार को स्वीकार किया, ये कोई जरूरी थोड़ी कोई किसी का प्यार स्वीकार करे, दूसरी बात धन्यवाद प्राचार्य जी का भी बेटा जिन्होंने हमें ये समय दिया, स्कूल डिस्टर्ब होता है, धन्यवाद तो राकेश जी का और शिव भावना जी का, और मैं चाहूंगा दिनेश जी का भी, इसलिए है इनके भी तो बच्चे छूटे बैठे हैं, क्लास छोड़ते बैठे हैं, और आपको मैं जो आपसे सीखा हूँ ये सीखा हूँ कि जैसे मेरे पास ये लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, हाँ ये ठीक बात है मेरी भी अपेक्षाएं रहती हैं, जैसे नाफिला से मैंने सीखा वेरी सेंसिटिव, बहुत गंभीर बेटी है, एक दिन 8वीं बी में रोने लगे, ये सब इमोशन में कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए, क्या बोला उससे नहीं, और इमोशन में प्रोबेबिलिटी खतरा है, हमारा अनुभव है, हम सारी धरती को नहीं बदल सकते, इतने गंभीर मत बनो, मैं सिखाऊंगा तभी धरती की बेटी है, कभी कक्षा नहीं छोड़ी उसने, मैंने सीखा, मैं हर बच्चे के चेहरे से उसके समझ से जानता हूँ, हर एक का नाम जानता हूँ, हर एक की एक्टिविटी जानता हूँ, हाँ मेरा इंटरेस्ट था इसको करने में, ये जो आपका है इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, आगे रहे इंदु ये पहले आई बेटी, जितेंद्र यादव अभी नहीं है यहाँ, अच्छा बेटा है खूब बढ़िया पढ़ाता है, उसके लिए भी संदेश है, वो तो उसी को कह देना बता देना थोड़ा कक्षाओं में अच्छे से रहे, ये कोई नहीं कह दिया अब तक, मैंने कहा हिम्मत है सीखा। अमर राय बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि गंभीर है, अमर राय एक बार खड़े अमर राय एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी कक्षा के प्रति समर्पित भी रहता है, मैंने सीखा, और बच्चों से जुड़ता भी है, बहुत सीखा, लेकिन इनके लिए कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि इनके विचार मिल गए,
खड़ी हो बेटी। ज्योतिर्मय से सीखा, ज्योतिर्मय अपने काम में जब कक्षा में जाती है तो बच्चों में खो जाती है। बेटा आपको ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा, ये मैंने सीखा, मैं भी करता हूं, मैं आपके लिए निवेदन करूंगा। चलो जोर से बोलो जय जगन्नाथ।